अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया। मैं राधेश्याम जी और उनकी पुस्तक है जिंदगी चलती डगर है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त कहूँगा और इसके बाद, समय भी कम है और वक्ता बहुत हैं अभी, वो अपनी बात रखेंगे कि राधेश्याम जी से मेरा परिचय लगभग 40 वर्ष पुराना है और मैंने इनका रचना संसार, ये रचनाएँ मेरे मतलब काफ़ी सुनी हुई हैं, साथ साथ पढ़ी हैं, उन्होंने लिखी हैं और रात रात पर हमने जाग करके व्यक्तिगत बातें भी की हैं। और मज़ेदार बात ये है कि राधेश्याम जी का ये अक्सर कहना है कि हम कहीं भी हिंदुस्तान में रुकें, रात को अगर बात चलती है कवियों के बीच तो कविता की चलती है, लेकिन भाई साहब हमारे और आपके बीच कभी भी कविता की बात नहीं हुई। व्यक्तिगत जो संबंध है, सामाजिक सरोकार हैं और ये जीवन की आयाम है, तमाम डायमेंशन है, उनके संबंध में ही चर्चा हुआ करती थी। और कभी कोई बहुत बढ़िया बात बनी, बोले भाई साहब मैंने ये अनुभूत हुई मुझे, मैंने दो एक लाइनें लिखी तो हो गई तो हो गई, और रात रात भर का जगना जगाना, कभी रुके दो दो रात, चार चार रात हमारे साथ रहे तो चर्चाएँ हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात ये मैंने इनके व्यक्तित्व में देखा कि इन्होंने बड़ी ईमानदारी से ज़िंदगी को जिया है, बहुत भोलापन है इनके अंदर मैंने देखा। और मैंने ये भी देखा कि कविता के माध्यम से किसी भी रचनाकार के व्यक्तित्व को आसानी से जाना जा सकता है। आप रचना केवल देख लें और रचना का पूरा उसका विराट चेतना का तल, भाव, भूमियाँ सब कुछ आपको कविता में नज़र आ जाएगा, बिल्कुल उसकी छाया चित्र उसके अंदर होगी। ऐसे ही ये चलती हुई जगह को अगर आप गहराई से चिंतन के साथ देखें, सूक्ष्म ढंग दृष्टि से पहचानें, तो इनके व्यक्तित्व के सारे जो तल हैं चेतना के, भाव भूमि पर जो भी उगे हुए इनके भाव के जो निशान हैं वो आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएंगे। इन्होंने संबंधों को बड़ा प्रेम से जीने की कोशिश की, कोशिश इनकी ये भी रही कि ईमानदारी से संबंधों को दिया जाए, लेकिन सामाजिक परिस्थितियाँ रहीं कुछ ऐसी कि उन संबंधों में कभी ये सफल हुए कभी विफल हुए, और विफल जब हुए तो इनकी बड़ा गहराइयों से जो अंतर्वेदना इनके जगी उससे इनके गीत उगे। और इनका एक गीत बड़ा पॉपुलर है, नहीं तुम्हें जब गांव मेरे प्रिय आना था, नाहक फिर इतना संबंध बढ़ाया तुमने। कितना बड़ी मतलब उलाहना है इस गीत में। और भी है, नहीं है कोई तेरा साथी जिसे मन मीत मन कहता। इनकी रचनाओं में जीवन दर्शन है, जीवन के प्रति चिंतन भी है, ये जीवन के प्रति तमाम दृष्टियों से देखते हैं। इनकी रचनाओं में आध्यात्मवाद के प्रति अनुराग भी है, जगन्नाथ और ये सुदर्शन चक्रधारी की रचना है इस बात को द्योतक है कि इनका एक निष्ठ लगाव भी है इन देवी देवताओं के प्रति भी। ये तीर्थ यात्राओं पे भी लंबे लंबे चले जाते हैं महीने महीने बाद, लोग उसकी भी छाया रचनाओं में देखने को मिलती है। सामाजिक सरोकार भी है इनके, दृश्य जब समाज को समाज की ओर जाती है तो जीवन दर्शन इनका बोल उठता है, दुखी संसार सारा है, कोई तन से कोई मन से कोई अपनों से हारा है। तो इस तरह से इनकी रचनाओं में जीवन के सभी डायमेंशन हैं, आयाम हैं। और इसके बाद में समय को देखते हुए मैं इनको यहीं पर आशीर्वाद देता हूं, बधाई देता हूं, ये और ऐसे ही आगे बड़े फले फूलें, खूब ये कविता को ऊंची मंच मतलब मंचों के माध्यम से काफ़ी इसकी दुनिया दूर दूर तक पहुँचाएँ, देश विदेशों में पहुँचें, ये मेरा आशीर्वाद है। और इसके साथ में भी मैं कुछ पंक्तियाँ अपनी रचित छंद वगैरह जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, जो मेरी पहचान है, उसे मैं परोस रहा हूँ आपके सामने, समक्ष आशीर्वाद चाहूँगा कि मेरा मानना है
कि यदि आदमी की निष्ठा और लगन है तो उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। और ये पंक्तियाँ मैं यहाँ दो महान विभूतियों को समर्पित कर रहा हूँ। एक हमारे साथी है ओम प्रकाश प्रजापति जी, इन्हों को मैंने देखा है कि ये NCR में अकेले सुबह 5 बजे जग कर के रात के 11 बजे तक लगे रहते हैं। ये कोई सेकंड इनका खाली नहीं जाता और इतने समर्पित हैं कि इन्होंने अपनी कम समय में ही 66 देशों से 66 देशों से जुड़े हुए हैं। और वहाँ इनके और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मासिक विशेषांक निकालते हैं। पूरे विश्व में ऐसी महान विभूतियाँ हैं जिन पर ये मासिक रूप में हर महीना इनके एक साल पहले बुकिंग हो जाती है। यूँ मान लें आप नीरज जैसे व्यक्तित्व की 6 महीना बुकिंग की थी तब कहीं नंबर आ पाया था, नीरज जैसे गोपालदा नीरज का तब कहीं जाके बहुत न्योरे पाते के साथ प्रकाशित करा पाई थी इनसे। इन्होंने हम भर भी विशेषांक निकाला। और दूसरा व्यक्तित्व है डॉक्टर राजेश श्याम मिश्र। मैं देख रहा हूँ जब ये इस नगर में पैर रखा था इन्होंने, इनके बड़े भाई जी जो अभी मिश्र जी बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा बोला, मुझे तो कल्पना भी नहीं थी इतना अच्छा आप बोलते, पहली बार सुना मैंने इनको। तो यहाँ आए थे इनके घर पर, हम भी गए थे, यहाँ रहते थे बात किताब तो अभी लोग, तो इन्होंने यहाँ पे विकास किया। तो मैं उसको समर्पित करता हुआ एक छंद दे रहा हूँ। मन की लगन यदि आदमी के साथ हो तो किसी अन्य शक्ति का नहीं हो गुदान चाहिए। मन की लगन यदि आदमी के साथ हो तो किसी अन्य शक्ति का नहीं हो गुदान चाहिए। एक लव्य के समान एक निष्ठता में प्राण लक्ष्य वेदने को पार्थ वाला ध्यान चाहिए। वेदना के सागर को पार करने के लिए उत्कृष्ट भावना का जल यान चाहिए। बहुमुखी विकास हेतु विघ्नों से जूझने को अपनी ही आत्मा की मुस्कान चाहिए। बहुमुखी विकास हेतु विघ्नों से जूझने को अपनी ही आत्मा की मुस्कान चाहिए। और एक छंद मैंने मनुष्य से कुछ अपेक्षाएं जोड़ी हैं, क्या मनुष्य विवेकशील है। अभी हमारे डॉक्टर साहब शर्मा जी ने बताया कि 4 चीज़ें देके ब्रह्मा ने भेजा, विवेक मुस्कान। इस तरह से विवेक होने के नाते मैंने कुछ अपेक्षाएं जोड़ी हैं। मानवीयता का मापू दंड मान नाई मित पशु जैसा आचरण करना चाहिए। स्वाभिमान है महान आदमी की पहचान, इसके विरुद्ध पग उठना न चाहिए। वेद शिखरों की ओर देख अपने हृदय में कभी हीन भावना करो, पालना न चाहिए। मन के विकार कितना ही ले उभार, किंतु सद्भावना का स्वर डूबना न चाहिए। मन के विकार कितना ही ले उभार, सद्भावना का स्वर डूबना न चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया।